हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। राम राम सभी को, गुड मॉर्निंग भाई लोग। अभी हो रहे हैं सुबह के 6:47 और मेरा बैग वैग रेडी है एग्जाम देने जाना। आ जाओ एंटरप्रेन्योरशिप एग्जाम। तो अभी मम्मी बाहर चाय रखी है अपनी, तो अभी हम लोग चाय वाय पीते हैं। रेडी ऑलमोस्ट हो गया हूँ, बस लगता है ये वाला जगह बहुत पेन हो रहा है भाई। पता नहीं अचानक से क्या हो गया, बहुत पेन हो रहा है ये वाला पोर्शन। तो भाई चलो फटाफट पहले चाय वाय पी लेते हैं, उसके बाद एक बार हम बाहर जाके मिलते हैं। तो भाई स्कूल के लिए तो निकल गया। अभी आप लोग सोच रहे हो कि पापा लिफ्ट से क्यों नहीं जा रहा बंदा? भाई मैं लिफ्ट से इसलिए नहीं जा रहा हूँ, लिफ्ट सही है, ठीक है, नो डाउट लिफ्ट सही है, लेकिन भाई क्या रहता है अगर सीढ़ी से जाओ ना। मेरा वन टाइम का जो पैदल चलने वाला है, तो हर थोड़ा देर जो भी कार्डियो हो जाए, थोड़ा बहुत भी हो जाए तो वो सही है ना, खाली पेट। और भाई मैं खा के नहीं जाता क्योंकि सुबह सुबह नहीं पाता भाई 6:30 से 7 बजे, और ऐसा कुछ हो खाने के लिए जो मुझे भा जाए। अगर आप लोग के पास कोई नुस्खा है, लाइक ऐसा कोई नाश्ता या खाना नाश्ता हो सुबह सुबह खाने वाला, तो आप मुझे बता दो, मैं वो ट्राई करूँगा एक दिन 100%। और भाई आज मेरा एंटरप्रेन्योरशिप एग्ज़ाम, तो भाई सब लोग सुन लो और क्या बताओ, अभी बस स्टैंड पे जाएंगे, बस स्टैंड पे बस मिलेगी। और बहुत बार क्या होता है, मैं बाहर निकलता हूँ ना तो फिर कोच मिल जाते हैं मुझे क्रिकेट वाले। और भाई अगर आप लोग को एफिलिएट मार्केटिंग करना है तो इंस्टाग्राम पे डीएम करो। आप लोग लाइक कमेंट पे, शॉर्ट वीडियो पे कमेंट करते हो यस 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 करके, लेकिन भाई कमेंट मत करो, डीएम कर दो सीधा और कमेंट करो कि किसको किसको स्टार्ट करना है। अब मैं ऐसा तो नहीं ना, मैं एक बंदे को चुन चुन के डीएम करूँ अपने से, तो आप लोग डीएम करोगे तो मैं रिप्लाई करके आप लोगों को बता पाऊँगा। तो चलो भाई, तो भाई लोग चलो अभी ट्यूशन चलते हैं, गेट लॉक करते हैं फटाफट। भाई ठंड आ गई है भाई, सीरियसली मस्त ठंड आ गई है। आज पता चल रहा है जैकेट वैकेट में, अब जैकेट के बिना नहीं होगा लिटरली। और भाई आप लोग बताओ आपका क्या हालचाल? आज नहीं कर पाया ये वाला जगह, पूरा गया खत्म है मेरा भाई, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, करवट नहीं बदल पा रहा अपना। लाइक ऐसे होता है ना, ये भी नहीं कर पा रहा, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, एक्सट्रीम लेवल का पेन हो रहा है। कल भी स्कूल है यार, दिमाग खराब है यार, दिमाग खराब हो रहा है। लिफ्ट आ गई, फ्रेंड नीचे ही खड़ा है घर के, और वो भी आ रहा है, वो मतलब घर के नीचे ही है। मुझे बोला भाई तू आ जा जल्दी फटाफट, मैं रहा आज पेन हो रहा है भाई, मैं अकेला जा नहीं पा रहा, मतलब मेरे को सीढ़ी चढ़ने में भी दिक्कत हो रही है। सर के घर पे तो सीढ़ी है ना, तो वहां से ऊपर चढ़ने में भाई मेरा तो फट जाएगा भाई सीरियसली। चलो भाई अभी ट्यूशन जाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। हेलो भाई लोग, अभी इसके साथ में आया था, देखो इसका शक्ल देख के लगता है कि मेरा कोई सब्सक्राइबर आया था छोटा सा मिलने के लिए। अभी मैं आया था हॉस्पिटल पे, ठीक है। चल आगे से तो टेल कर क्या, आगे से टेल क्या करेगा, ऐसे टेल कर अब खड़े रहकर तो खड़े रहकर तो भाई मेरा बैक दर्द हो रहा है, लात तोड़ आज पता है भाई क्या हुआ? मैं सोच एग्जाम एग्जाम हॉल में बैठा, ठीक है, 10 मिनट बाद वॉशरूम लगा, और आज प्रिंसिपल का जो नीचे एक आदमी रहता है, ठीक है, प्रिंसिपल के नीचे और सबसे ऊपर, ठीक है, तो क्या हुआ ना, सुल्ला जो सुबह सर है ना भाई से, ठीक है, तो क्या हुआ, वो आके क्लासरूम में बोलता कोई बच्चा को वॉशरूम मत जाने देना, और हमको लग गया 10 मिनट बाद में वॉशरूम। जब वो बोला तभी हमको लग गया, ठीक है, क्योंकि एक बात बोलता हूँ, जब कुछ सोचता है ना तब वो लगता है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, मेरे को लगा उसके बाद में हम सर को बोला सर वॉशरूम जाओ, सर बोलते नहीं आके मना करके गया हुआ है। हमारा जो ऑपरेशन लगा 1.5 घंटा तक भाई मज़ेदार भाई सीरियसली। फिर बाद में जब गया और ऐसे पूरा फुल रिलैक्स था भाई, फुल रिलैक्स, एकदम मजा भाई, मजा नहीं लगता वैसा रिलैक्सेशन कभी जिंदगी में नहीं लगा हमको, कसम से बता रहे, गजब रे। मैं बोल रहा हूँ ऐसे पता है, बेसिकली जब भी जब बोलते हैं ना उसके बाद ही भाई लगा हुआ रहता है, तो बोलते रहे अलग बात है तभी लगता है भाई। और भाई आप लोग एक बात बताऊँ, मैं इसको बोला भाई तेरे, इसने ATM कार्ड पहले बहुत दिन हो गया, ठीक है, बनाए हुए, तो मैंने इसको बोला भाई जिस दिन आता है ना उसी दिन तू कार्ड का पिन जनरेट कर सकता है। तो ये मेरे को बोलता है, मेरे को बोला है नेक्स्ट वीक का ट्यूसडे को आने के लिए, कल ही है ट्यूसडे, वही नेक्स्ट वीक था ना, तू तो पहले तो बहुत टाइम हो गया ना, बहुत टाइम हो गया, तेरे को तो बहुत टाइम हो गया ना कार्ड लाए हुए, कितना टाइम हुआ, एक वीक तो ही क्या होगा, होने को है मतलब हुआ नहीं है, तो पिछले वेडनेसडे ट्यूसडे लिया, तो ये ट्यूसडे को बोलता है ट्यूसडे को आके जनरेट करना। तो हम बोला भाई ऐसा कुछ नहीं रहता, तू जब कार्ड लेगा तभी तू जनरेट कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना ब्रो। तो भाई अभी मैं जाता हूँ ऊपर में, फिर से देखता हूँ नाना वगैरह के बारे में क्या सीन है, मेरा तो हाथ पर खुद का कंट्रोल भी नहीं है ब्रो। तो भाई चलो चलते हैं।
लोग अभी हम लोग चौपती में, देख लो आंटी अगर आप देख रहे हो तो मेरे घर के नीचे खड़े हैं हम लोग, आप मेरा कल वाला ब्लॉग देख लो आंटी, ठीक है। और ये देखो ये तरुण यहाँ पर पता नहीं अपनी प्रगति को देख रहा होते थे आपको वो अभी प्रगति याद आई। अरे तरुण प्रगति क्या होता है रे तरुण भाई, प्रगति का मतलब क्या है? प्रगति मतलब कल के हिसाब से जो तरुण बोला था उसको पूरा संसार है। नहीं तरुण कल के हिसाब से जो बोला था दाल भात उसके हिसाब से SSMS की लड़की है ये भाई है। हमको क्या, हम तो LIC है भाई, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जिंदाबाद। नहीं LIC भाई, LIC के अंदर ही आता है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, हमको नहीं पता। अरे मैं बोलूं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी किसका 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 नहीं समझा? नहीं जहाँ पे हम लोग आते हैं कहाँ पे अभी इनका इनका अनुष्का अमिताभ सर का अच्छा नहीं हम नहीं समझा, ठीक है चलो भाई ये सब ज्यादा हमको क्या, हमको ज्यादा देखने का मतलब नहीं है, इसको देख लो ये अपना बहुत ज्यादा सीरियस है भाई भाई देख लो चल ठीक है। हाँ गाइस आज के लिए इतना ही, आई होप आप सभी लोग आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद है लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।